और अब देखिए यूक्रेन के एटम बॉम्ब से जुड़ी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूक्रेन रूस के बीच जारी तनाव का ये भयंकर मोड़ है। निकट भविष्य में युद्ध की विभीषिका कितनी भयंकर होगी, रूसी प्रेसिडेंट पुतिन की कल्पना से इसे महसूस किया जा सकता है। कभी सोवियत संघ में शामिल रहे यूक्रेन को लेकर रूस के प्रेसिडेंट का दावा सामान्य नहीं है। उन्होंने युद्ध की शुरुआत भयंकर रूप से होने की आशंका पर मुहर लगा दी। दावा सीधा है, यूक्रेन ने भले ही दिखावे के लिए खुद को एटमी ताकत से दूर दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उसके पास एटम बम है और प्लान रूस पर एटमी हमले का है। जिसकी शुरुआत 2014 में यूक्रेन से वापस मिले क्रीमिया से होने वाली है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह संभव है, और है तो संभव कैसे हुआ? यूक्रेन को न्यूक्लियर पावर बनने में मदद किसने की? दरअसल सोवियत संघ के समय में ही रूस ने बेलारूस और यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सों में दुश्मनों और खासकर यूरोप से रक्षा के लिए परमाणु बम तैनात किए थे। इतना ही नहीं, इन देशों में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रखी गई थी जिसमें कि न्यूक्लियर वॉर हेड फिट थे। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद अच्छे रिश्ते बनाए रखने की चाहत में यूक्रेन ने इन सभी को रूस को लौटा दिया। अब सवाल यह है कि क्या एटम बम को लेकर यूक्रेन ने दुनिया से झूठ बोला? क्या न्यूक्लियर शक्ति होते हुए भी यूक्रेन ने अपनी क्षमता को छिपाए रखा? और अगर ऐसा होता है तो रूस की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल पहले क्यों नहीं उठाए गए? रूस ने यूक्रेन के एटम बम का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं उठाया? दरअसल इन तमाम सवालों के जवाब संभावनाओं पर आधारित हैं। लेकिन रूस के प्रेसिडेंट ने दावा किया है तो जाहिर है कि रूसी एजेंसीज ने इस खुलासे पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। अब प्रेसिडेंट पुतिन के दावे से विध्वंसक युद्ध का खतरा और कितना बढ़ गया, इसे जानने से पहले 90 के बाद के हालात समझ लीजिए। 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद पश्चिम और रूस के संबंध सुधरने लगे थे। रूस समेत ज्यादातर देश शांति की राह पर आगे बढ़ रहे थे। इसी दौर में यूक्रेन ने परमाणु हथियार खत्म करने की तैयारी शुरू की। रूस के पहले के आक्रामक रवैये से पश्चिमी देशों ने भी यूक्रेन को आगाह किया। यूक्रेन को लेकर परमाणु हथियार लौटाने में जल्दबाजी होने का दावा किया गया, लेकिन 1994 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी एश्योरेंस पर दस्तखत हो गए। यूक्रेन, बेलारूस और कजाक की संप्रभुता के सम्मान पर सहमति बनी। यूक्रेन ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम को देखते हुए 1996 तक सारे परमाणु हथियार रूस को लौटा दिए। ये वही यूक्रेन था जो 1993 तक अमेरिका और रूस के बाद सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाला देश था, लेकिन 1996 में ये पूरी तरह परमाणु विहीन हो गया। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन के दावे से इशारा मिल रहा है कि या तो यूक्रेन ने सभी बम और मिसाइल नहीं लौटाए, या फिर यूक्रेन ने यूएसएसआर के वक्त ही टेक्नोलॉजी से बाद में परमाणु हथियार और मिसाइल का निर्माण कर लिया। लेकिन इस इशारे के सच होने के चांस कितने प्रतिशत हैं, इसे भी जानिए। यूएसएसआर के दौर में यूक्रेन में करीब 5000 परमाणु हथियार तैनात थे। तब करीब 1000 मिसाइलें भी यूएसएसआर की सुरक्षा कर रही थी। लेकिन यूक्रेन ने रूस को कितने परमाणु बम और मिसाइलें वापस की, इसकी पुख्ता संख्या कहीं दर्ज नहीं। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।